Hello viewers, welcome again to Manjusha Nandeshwar channel. If you like the video, please click the like button to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get further upcoming videos notifications. Do share too. Thank you. सर्वप्रथम मैं अनिमेश नंदेश्वर आप सभी को सप्रेम नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। हम सब आज के दिन बाल दिवस जो मना रहे हैं, आज ही के शुभ अवसर पर मैं बाल दिवस के अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। बच्चे समाज और घर की खुशियाँ है और साथ ही देश का भविष्य भी है। बाल दिवस प्रतिवर्ष बच्चों को सम्मान और शुक्रिया देने के लिए मनाया जाता है। अन्य अन्य देशों में बाल दिवस अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश भारत में बाल दिवस 14 नवंबर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हमारे भारत को यदि स्वयंपूर्ण तथा विकसित देश बनाना है तो इस देश के बच्चों को स्वयंपूर्ण तथा विकसित देश बनाना होगा। दोस्तों, हमारे माता पिता हम बच्चों से कई उम्मीदें लगाते हैं। उन्हें चाहिए होता है कि हम बच्चे पढ़े लिखे, उनका और देश का नाम रोशन करें। हमें उनके उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, परंतु बहुतांश देखा जा रहा है कि आज के बच्चे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि पर अधिकांश समय व्यर्थ गवा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें अपने आप को स्वयंपूर्ण बनने के दृष्टि से कार्य करना चाहिए। माता पिता जिस चीज के लिए तो के वह काम नहीं करना चाहिए। माना कि अंधेरा जला है पर दिया जलाना कहा मना। चलिए हम सब बच्चे हाथ से हाथ मिलाकर ये कसम खाए कि हम विकसित बनने के लिए प्रयत्न करेंगे ताकि एक सुंदर देश का निर्माण कर सके। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कह देना चाहता हूँ, दे सलामी तिरंगे को जिससे अपनी शान है, दे सलामी तिरंगे को जिससे अपनी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखे जब तक जामे जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।